दोस्तों, मैं बचपन से लेके आज तक कभी फ्री ही नहीं रहा। मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में चलता ही रहता है और लाइव एक्सपेरिमेंट भी मैं करता ही रहता हूँ। जैसे कि अभी देखो, आज सुबह से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ छोटा मोटा, और मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और उससे कुछ ना कुछ आइडिया आता है। आपको भी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए छोटे मोटे, जिससे आपके दिमाग का बिल्ड तेज हो जाए, आप और अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सकूं। तो मैं बचपन से ही, मेरी यही आदत है। तो आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये देख सकते हैं, डायरेक्ट सोलर पैनल से, 150 वोल्ट के पैनल से 100 वोल्ट का बल्ब जल रहा है। बट थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप है, 40 वोल्ट की कमी यहाँ पे देखने मिल रही है। और यहाँ पर अगर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, तो देख सकते हैं सोलर का मीटर है और यहाँ पे 5 से 7 एम्पियर आ रहे हैं अभी इस वक्त। ओके, मेरे ख्याल से ये 70 वोल्ट का, 60 वोल्ट का बल्ब होगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन सोलर का आ रहा है, ये वाला सोलर का कनेक्शन आ रहा है डायरेक्टली हमारे ट्रांसफार्मर में। और एसी करंट है भाई, डीसी करंट नहीं है, एसी करंट है आउटपुट में। और डीसी हम 18 वोल्ट ही दे रहे हैं, ठीक है ना। 18 वोल्ट डीसी, यानी कि 12 वोल्ट का पैनल मैंने ऐड किया है, तो 18 वोल्ट से हमारा ये ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है और बढ़िया सी एनर्जी हमें आउटपुट में मिल रही है। ओके, थोड़ा सा ड्रॉप है क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है ना, ठीक है। तो क्लाउडी वेदर में भी बढ़िया आ रहा है। तो ये देख सकते हैं भाई, ये इन्वर्टर का पूरा यहाँ पे किट है। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ भाई।